हेल्दी न्यूट्रिशियस सहरी जो कि आपके अंदर का वाटर कंटेंट, आपके अंदर की एनर्जी को अच्छा फुल रखेगा पूरा दिन, जिसमें आते हैं हमारे यहाँ एग वाइट आ गया, मल्टीग्रेन की रोटी आ गई, दही आ गया, दही आप ढेर सारा लें। आपको मिल्क मैंने रखा है, लो फैट मिल्क रखें, कोई मैं ब्रांड को मैं एडवर्टाइज नहीं करी, आप बहुत कंपनीज के आते हैं मिल्क, लो फैट मिल्क का वो लें। ये मैंने लस्सी बना के रखी है, इसके लिए मैंने चिया सीड्स डाले। लस्सी को अगर आप स्वीट करें तो उसमें आप स्टीवी ऐड कर सकते हैं, वरना आप उसके अंदर सॉल्ट डालें। तो आप लस्सी का ग्लास, दो तीन ग्लास ले सकते हैं, एक ग्लास ले सकते हैं इसके अंदर, वो भी मैंने लो फैट से बनाई है। आपने पानी का कंटेंट अपना अच्छा रखना है। इसमें आप कच्ची लस्सी भी बना सकते हैं, कच्ची लस्सी में थोड़ा सा दूध होता है, बाकी सारा पानी होता है। जैसे गर्मियां आ रही है तो उसके लिए कच्ची लस्सी भी बहुत अच्छी चीज है। और पानी की आपकी बॉटल, मेक श्योर कि आप पानी ढेर सारा पिए। आप कोई कच्ची लस्सी या लस्सी सी बना के लें जो बनी हो, तो लो फैट दही में या लो फैट मिल्क की बनी हो। अपना एग लें, अपनी रोटी लें। अच्छा, खवातीन के लिए अक्सर उनको ऑब्वियसली एनर्जी के इश्यूज रहते हैं, तो मैं एक खजूर रिकमेंड करूंगी जो कि अच्छा एनर्जी बूस्टिंग का काम लेता है। कि आप एक खजूर भी ले सकते हैं ताकि आपके अंदर का थोड़ा पूरे दिन के लिए एनर्जी अच्छी रहे। और अगर आपको दिल करे सालन लेने का, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा कटोरी में, बिल्कुल थोड़ा सा, समझे 3 स्पून ना मैंने सालन रखा हुआ है, ताकि अगर मेरा दिल करे कि मैं थोड़ा सा सालन लूं तो मैं थोड़ा सा सालन ये ले सकती हूँ। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपने अपने आपको फिलिंग रखना है। बस मकसद ये कि चुपड़ी हुई तेल के आपने पराठे नहीं बनाने, ये आप ना लें। आप अच्छी मल्टीग्रेन की रोटी लें, बहुत अच्छी रहती है, बहुत फिलिंग रहती है। अपना एग और अपना प्रोटीन का कंटेंट पूरा रखें। आपका फाइबर का कंटेंट है, ये इटसेल्फ बहुत अच्छा है। इसके अंदर आप इस्पगोल भी डाल सकते हैं फिलिंग इफेक्ट करने के लिए। सो ये एक अच्छी फुल सहरी है, इसको करें। इससे ज्यादा इसके अंदर दही वाली चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। दही इज वेरी गुड कि अगर आप दही लें अपनी सहरी में, वो आपका प्यास को खत्म करती है। इसके अलावा आप फ्रूट्स ले सकते हैं। ये फर्स्ट सहरी है, मुझे ये चीजें इन्हीं की शुरू से आदत है, मैं तो इन्हीं को लेती हूँ। अगर कोई आपके पास रूटीन में अच्छी आदत है, उसी को कॉपी करें। सहरी अफतारी में भी वही करें, अलग से वो चीजें इम्प्लीमेंट ना करें जो आपका हेल्थ हैजर्ड बने।